बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक मोटर है हमारे पास। ये आप देख सकते हैं कि 132 किलोवाट की मोटर, 239.7 एम्पेयर, 240 एम्पेयर के करीब इसकी करंट है और आरपीएम 1485 आरपीएम। और ये मोटर एक लोड को चला रही है। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी साइड दोस्तों। ये मशीन है, इसके साथ ये एलिवेटर कहलाता है, बकेट एलिवेटर। ये यहाँ काफ़ी हाइट के ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये नीचे तक ये एलिवेटर है और ये वीएस कपलिंग कहलाता है, जो कि ये पार्ट है वीएस कपलिंग। इसमें एक बहुत अहम कुछ बातें होंगी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देख लीजिए, ये इसका फिलिंग कैप है, आप देख सकते हैं। ये कीफ का निशान है इसके ऊपर, ये देख लें। ये फनल इसके ऊपर बना हुआ है, यहाँ से ऑयल फिल करते हैं, यानी इसको टॉप पर ले जाते हैं ऊपर इस तरह से टॉप पर ले जाते हैं। यहाँ पर फनल रख के इसमें तेल फिल करते हैं, तेल तकरीबन यहाँ की हद तक तेल इसमें होता है। और इधर ये देखें, ये ग्लास है इसका, साइड ग्लास कहते हैं इसको। इसमें आपको तेल भी नज़र आ रहा है, ये देखें, ये ऑयल, ये यहाँ जब ये ऑयल आपको इसमें नज़र आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ की हद तक ये ऑयल इसमें फिल है, यहाँ की हद तक इसमें ऑयल फिल है जब इसका ये यहाँ पर है दोस्तों। ये इसका होता है नज़र आने के लिए। शीशा है यहाँ पे, ग्लास है और ये नट है। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्यों लगाया जाता है, ये वीएस कपलिंग इस मकसद के लिए होता है कि जो ये ट्रांसमिशन है, गियरबॉक्स है, बहुत हेवी मशीन को चला रही है। अगर ये ना हो, सॉलिड कपलिंग हो, जिस तरह की ये सॉलिड कपलिंग है यहाँ पर, अगर सिर्फ ये हो, ये ना हो, तो फिर ये मोटर इसको चला नहीं सकती। जो कि 132 किलोवाट की मोटर जैसे मैंने आपको दिखाया, तो ये इस लोड को नहीं चला सकती। लेकिन अगर ये आप लगा दें तो फिर ये चला सकती है। तो अब इसमें क्या तरीक़ाकार है, ये देखें। अगर मैं इस मोटर की शाफ्ट को घुमाता हूँ तो ये आगे सॉलिड है, नहीं घूम रहा, ठीक है दोस्तों। तो होता क्या है कि ये एक टर्बाइन की तरह की चीज़ होती है, अंदर टर्बाइन की तरह इसके अंदर ऑयल का प्रेशर बिल्ट होता है, जैसे कि ऑटोमेटिक गाड़ियों में टॉर्क कन्वर्टर होता है। वो जो होता है टॉर्क कन्वर्टर क्या करता है कि वो उसमें भी सेम यही प्रोसीजर होता है कि टर्बाइन किस्म की चीज़ होती है, जब इसमें ऑयल का प्रेशर बिल्ड होता है तो तब ये एक हो जाता है, एक होकर फिर ये इसको चलाता है। और इसमें ये एक स्विच लगा हुआ है, जो कि सेफ्टी स्विच है इसका। सेफ्टी क्या होती है, सेफ्टी इसके अंदर एक टेम्परेचर की सेफ्टी होती है। किसी भी वजह से अगर आगे कोई प्रॉब्लम आ जाए सिस्टम के अंदर, कोई टूटा हुआ बेयरिंग या मशीन जैम हो जाए, कुछ भी मसला इसके साथ हो जाए, तो तब क्या होता है कि इसके अंदर टेम्परेचर बिल्ड होता है। टेम्परेचर बिल्ड होने की सूरत में ये क्या करता है कि यहाँ पे इसका फ्यूज़ है, ये थर्मल फ्यूज़ है, ये देख लीजिए, 140 डिग्री सेल्सियस इस पर लिखा हुआ है, 140 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेंटीग्रेड का फ्यूज़ है। ये यहाँ से निकलता है, ये यहाँ से बाहर निकल आता है। जब बाहर निकलता है, ये देखिए, मैं आपको इसके करीब करके दिखाता हूँ। ये इस तरह से, जैसे कि ये इसके ऊपर चल रहा है, तो नॉर्मल हालात में इससे दूर है। ये इसका एक्चुएटर है, ये असल में एक लिमिट स्विच है जो कि पीएलसी को सिग्नल दे रहा है। यहाँ से इस पीएलसी को सिग्नल जाता है और ये इसको बताता है कि इस वक्त, जैसे कि ये पोजीशन है, तो ये बिल्कुल इसकी सेट पोजीशन है। इसमें ये लिमिट स्विच सेट पोजीशन में है और इसको जिस वक्त ये फ्यूज़ निकलता है तो ये इस फ्यूज़ को ऑपरेट करता है इस तरह से, या अगर दूसरी तरफ मोटर चल रही हो तो इस तरह से, मतलब दोनों तरफ ये ऑपरेट हो सकता है। इसका ये जो एक्चुएटर है, ये दोनों साइड पे ऑपरेट हो सकता है। ये बाहर निकलता है, इसके साथ टकराता है चलते हुए, और ये इसको ऑपरेट कर देता है, और ये आपका मोटर जो है पीएलसी सिस्टम उसको स्टॉप कर देता है। मोटर स्टॉप हो गई तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। मसला अगर कहीं पर कोई डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो फिर आके बंदा डायग्नोस कर लेता है और फिर इसको रिपेयर करने के बाद फिर स्विच को सेट कर देते हैं जिस तरह है, और फ्यूज़ तब्दील कर देते हैं, नया फ्यूज़ लगा देते हैं। ये फ्यूज़ हमारे पास होते हैं और फिर उसके बाद इसमें ऑयल भी फिल कर देते हैं, क्योंकि ऑयल भी इसमें से निकल जाता है। इस वक्त ये खुलता है तो ऑयल भी इसमें से निकल जाता है और आपकी मोटर स्टॉप हो जाती है। तो ये इसका सेफ्टी थी जो कि डिस्कस करनी ज़रूरी थी। तो ये इस मशीन को इस तरीके पे ये वीएस कपलिंग या फुल फ्लूड कपलिंग चलाता है, एक तरह का सॉफ्ट स्टार्टर का डिज़ाइन की चीज़ हो जाती है, सॉफ्ट स्टार्ट देता है इस मशीन को, इसके लिए ये वीएस कपलिंग लगाया जाता है। तो दोस्तों, इंडस्ट्री में बहुत ही मकबूल चीज़ है, बहुत ही करामत चीज़ है। टाइप इसका ये है TVNC, और ये आगे ये जो नंबर है, तो ये इसकी टाइप है। तो मैंने आपको दिखा दिया, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, थम्स अप ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन घंटी का निशान लाजमी, देखते रहिए। शुक्रिया।